शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मामा तू? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपनी भांजी के बच्चे से खेल रहा हूँ। ये क्या मजाक है? मुझे इसे ले जाना तो मुझे जल्दी जाना है। हाँ तो जाओ ना, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। लेकिन जहाँ तुम जा रही हो ना, वहाँ जाकर सिर्फ मेरा मामला संभालना। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने रवि को बंटवारा रोकने के लिए भेजा है, अब तुम खुद वहाँ जाओ और बंटवारा करवाओ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एहसास दिलवा रहा हूँ कि बंटवारा करवाओ, वरना तुम्हारे इस बच्चे को दो हिस्सों में चीर कर इसका बंटवारा कर डालूंगा। मेरे बच्चे की जान ले लोगे? और इसकी जान के बदले तुम चाहते हो कि मैं उस स्वर्ग से सुंदर घर को उजाड़ दूं? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं करोगी? तुम्हारा एक इनकार तुम्हारा यानी कि सब कुछ बिगाड़ सकता है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे उस स्वर्ग से सुंदर घर के तमाम देवी देवताओं को गोली के निशाने पर रखा हुआ है। अगर रवि ने बंटवारे से इनकार कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारा बड़ा देवता उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद लक्ष्मी देवी मार दी जाए, हो सकता है तुम्हारा रवि भी मार दिया जाए। तुम्हारे एक बंटवारे को रोकने के लिए कई जाने जाएंगी, तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए जाओ, फौरन जाओ और वहाँ से तमाम जेवरात, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे लेकर सीधा मेरे पास आओ, और तब तक मैं तुम्हारे इस नरम चूजे को अपनी हिफाजत में रखूंगा। जाओ। हट जाओ यहाँ से। ये क्या है? ये बच्चा कहाँ ले जा रहा है? अरे इसी बच्चे के बलबूते पर तो मैं बच्चे के घर का बंटवारा करवाऊंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, अपने बेटे का बदला लूंगा, तमाम जेवरात और जायदाद लेकर यहाँ से रफूचक्कर हो जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, ये मेरा नवासा है। तेरा नवासा है? वाह वाह वाह, अरे मैं भी तो तेरा साला हूँ। जिस तरह वक्त आने पर तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, उसी तरह मैं भी तेरे नवासे को यानी कि पहचानने से इनकार करता हूँ। लक्ष्मी, जी सब सामान रख दिया ना? हाँ। सुनो, ये गहने क्यों पहन रखे? उतार लेने। ठहरो, तुमने अपने गले में सोने का मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तब तुम्हारे गले में एक पीला धागा था, उतारो से। कह रही हूँ, मैंने कहा उतारो से। बेटे बेटे, तुमने हमें बुलाया है? हाँ रहीम चाचा, मेरा छोटा भाई रवि जायदाद का बंटवारा चाहता है। रवि और जायदाद का बंटवारा? नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक। बेटे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, रवि ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूँ रहीम चाचा, रवि बंटवारा चाहता है, उसके अलावा और कौन है जायदाद का दावेदार? आओ भाई रवि, आओ आओ आओ, आओ ना। मुझे तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बेहद खुशी हुई। खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेत कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं, और वो भी किशन के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं जानता हूं कि वो खत तुमने क्यों लिखा, किसके इशारे पे लिखा, लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी तरह चलना सिखाया, कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया, इसलिए दोष मेरा है। ये देखो, मैंने सारी जायदाद दो हिस्सों में बांट दी है। लेकिन भैया, मैंने ये सब कब मांगा? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बना, तूने तो सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, मैंने जिंदगी पढ़ी है जिंदगी। आओ भाई आओ, देख लो, मैंने घर की तमाम चीजें दो हिस्सों में बांट दी है, अच्छी तरह देख लो। आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा दो हिस्से नजर आ रहे हैं,
रहीम चाचा, आप जरा जाकर उनकी पत्नी से तो पूछिए। लक्ष्मी बेटी, ये पहले कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये दो हिस्से कहाँ हैं? रहीम चाचा, जब दो हिस्से होंगे तब तो आपको नजर आएंगे ना। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, मैं उनसे पूछती हूँ। सुनिए, आप बंटवारा ठीक ढंग से करवाना चाहते हैं ना? हाँ। यहाँ हर एक परेशान है, आपने सारी चीजें एक जगह जमा कर रखी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दो हिस्से कहाँ हैं। दो हिस्से हैं, जिनकी आंखें हैं उनको दो हिस्से दिखाई देंगे और जिनकी नहीं है वो नहीं देख सकते। रवि, तुम खड़े क्यों? दो हिस्सों में से अपना हिस्सा चुन लो। रहीम चाचा, मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत लिख दिया, ये मेरा कसूर है। रवि बेटे, विजय बहुत समझदार इंसान है, जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है। भैया ने वाकई सही बंटवारा किया है। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक तरफ जायदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया, और मुझसे कह रहे कि इनमें से चुन लो। इस राम ने अपने लक्ष्मण को एक और प्रायश्चित का मौका दिया है। रहीम चाचा, एक और प्रायश्चित का मौका दिया। अरे ये क्या चीज है भैया, दुनिया की तमाम दौलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकरा कर तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूंगा। भैया, मैं तुम्हें चुनूंगा भैया, सिर्फ तुम्हें। मुझे मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया। बस करो रवि, बस करो, ये दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर मेरा हक है। तुम अपने सास ससुर बीवी बच्चे के साथ ये जायदाद लेकर तुम खुश रहो, लेकिन ये जायदाद सिर्फ मेरी है। मैं अपनी जायदाद में से किसी को हिस्सा नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा हिस्सा है। ये मेरे सुहाग की दौलत है, अपने सुहाग को लेकर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए भाभी, मुझे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई भाई, कोई भाभी, कोई रिश्तेदार। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, ये घर चाहिए। ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे, मगर ये दौलत कहाँ मिलेगी? अपना लो इस दौलत को। क्या पक रही हो तुम, अपने होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मुझे तुम्हारे भैया और भाभी नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। दौलत पास होगी तो दुनिया के बाजार में भैया और भाभी बहुत मिल जाएंगे। मैं समझा था तू पाप के कीचड़ में पैदा हुए कमल की तरह है, लेकिन नहीं, तूने साबित कर दिया तू उस गलीज माँ बाप की जलील और गिरी हुई औलाद है। बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक, अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी जायदाद और दौलत तुम्हें मुबारक हो। लेकिन भैया, चलो लक्ष्मी। भैया 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 भैया, रुक जाओ भैया। तुझे दौलत चाहिए ना, तुझे दौलत चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ले, ये ले, ये ले। और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्कारी की आग से सोख जैसे घर को लाल बना दिया। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद तेरा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कोई संबंध, ना तू मेरी पत्नी और ना ही मैं तेरा पति। नहीं रवि, क्या समझते हो, दौलत और जायदाद के लिए ललिता इस वर्ष को आग लगा सकती है, देवी और देवता जैसे भैया और दीदी को इस घर से निकाल सकती है। सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, अपने बच्चे की कसम, अगर अगर मैंने कदम न उठाया होता तो भैया और दीदी को जान से मार दिया जाता। क्या? हाँ।
जी, मैं अपने बच्चे की खातिर धन दौलत जेवरात सब कुछ ले आया हूं। ले लो इसे। अब बताओ कहां है मेरा बच्चा? हाँ अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये रहा तुम्हारा बच्चा। ना ना ठहरो ठहरो ठहरो, ये दौलत तो मुझे उस अपमान के बदले में मिली है जो तुम्हारे भाई और मेरे हरामखोर जीजा ने किया था। लेकिन गांव वालों के सामने मंदिर में जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसका बदला यानी कि अभी बाकी है। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इस नरम चूजे की जान। नहीं मामा जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दे दूँ क्या? यानी कि हिम्मत है तो ले लो। नहीं नवाज जी, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए अपना हाथ मत उठाओ वरना मेरा हाथ छूट जाएगा, और अगर मेरा हाथ छूट गया तो आपका बच्चा यानी कि इस दुनिया से उड़ जाएगा। इसलिए मेरी बेइज्जती के बदले मार खाते जाओ, खाते रहो, और हो सके तो अपने आप को बचाते जाओ, बचाते जाओ। छोड़े जा रहे हैं, इसे तो साथ लेते जाइए भैया। दीदी आपकी अमानत हमारे पास है। हाँ भैया, किशन आपकी औलाद है, आपका खून है, फिर इसे हमारे पास क्यों छोड़े जा रहे हैं? भैया ललिता ने मुझे आज सब कुछ बता दिया। ललिता, क्या तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है? हाँ भाई साहब, मैं सब कुछ जानती थी। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था,
किस तरह दीदी अस्पताल में मेरे कमरे में आई और अपने बच्चे को मेरे उजड़े हुए पालने में डालकर अपनी गोद उजाड़ कर चली गई। मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही। तो फिर एक बात बताओ ललिता, जब तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है और जब किशन बीमार हुआ तो तुम उसे अपनी माँ के घर क्यों ले गई? अपनी माँ के कारण, जिसके मुंह से गालियाँ और कोसने के सिवा कुछ नहीं निकलता। सारी दुनिया किशन को हमारा बच्चा समझती थी। अगर किशन को आपके घर में कुछ हो जाता तो लोग मेरी देवी जैसी दीदी का मजाक उड़ाते, इन्हें बाज मनहूस न जाने किस किस नाम से पुकारते। इसीलिए मैं किशन को अपने साथ ले गई ताकि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो मेरी ही गोद में हो। सारा इल्जाम मुझे पर आए। बंदर लिखा, चेतन लिखा, भागती किधर है? भागती किधर है? चल, अरे ये छोड़ दे जी, अरे ये क्या हो रहा है? ये आपको बता रहा है गरम मसाला। चल, माफी मांग, माफी मांग। इस देवी ने तेरी मरती हुई बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और तू सारी जिंदगी इसको गाली देती रही, मनुष्य कहती रही, भाज कहती रही। भाग तेरा बाप, तेरा पति यानी कि मैं। विजय बेटा, आदमी को इंसान, शैतान और भगवान बनाने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे ये देवी, तुम महान हो मगर तुम्हारी महानता में इस देवी का बहुत बड़ा हाथ है। औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर वो चाहे तो उसे स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मेरा साला इस सारे फसाद की जड़ है तो ये उस फसाद की कीचड़ है और मैं उस कीचड़ का कीड़ा हूँ। हम सबको ले जाकर जेल में बंद कर दो मगर अलग अलग कोठरी में रखना, वरना कैदियों को आपस में लड़ा देंगे हम लोग। और हो सके तो मुझे भी यानी कि माफ कर दीजिए। नहीं हो सकता है, चला चला जी, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। चलो सेठ जी की तरफ से मैं तुमको माफ करता हूँ, बोला है। मैं ठीक है, अगर तुम अपने वचन पे कायम रहोगी तो देखता हूँ माफ कर दूँ। कर दो, देखा, शर्म कर। इसको बोलते हैं देवता, माफ कर दिया। चल, चल।